अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी टेस्टी दही बड़े की रेसिपी। परफेक्ट दही बड़े कैसे बने, साथ ही साथ टिप्स और ट्रिक्स बताते जाएंगे। मार्केट से भी ज़्यादा टेस्टी अच्छे दही बड़े घर पर बनेंगे। बहुत ही मज़ेदार इफ्तार में ठंडे ठंडे दही बड़े मिल जाए तो दिल को सुकून आ जाए। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए रेसिपी को सीख लेते हैं। एक पाव हमने माश की दाल लिया है, उड़द की दाल सफ़ेद वाली। इसको हमने धुल के 5 घंटे पहले भिगा दिया था। अब इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर ये कुछ छोटी छोटी 6-7 हरी मिर्च है और 1/2 इंच का टुकड़ा अदरक है। अदरक से बादीपन दूर हो जाता है दाल का। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसी में हम मिर्ची और अदरक भी डाल देंगे और इसका हम बहुत ही फाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो इसमें हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही डाल दिए हैं और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। और थोड़ा सा नमक डाल देते हैं, 1/2 टीस्पून। और ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से पीस लिया है। इस तरह से एकदम क्रीमी टेक्सचर आना चाहिए इसके अंदर। जब दाल आपकी ज़्यादा फाइन पीस जाए उसके बाद भी आप 5 मिनट ऐसे ही और चलाइए, तो आपको फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने एक्स्ट्रा 5 मिनट और चला लिया था। तो ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफी हो गई है। अब इसको हम 2-3 मिनट चम्मच से ही ऐसे चला लेंगे। हमें इसको हाथों से बहुत देर तक फेंटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो हमसे यहाँ पर थोड़ा सा स्किप हो गया था इसमें किशमिश डालना, आप डाल सकते हैं। और काजू भी अगर डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा कट करके डाल सकते हैं। तो ये देखिए, हम चेक करा देते हैं आपको। थोड़े से पानी में हमने डाला, देखिए कितने फ्लफी से हो रहे हैं और ऊपर तैर रहे हैं। और पीसते वक्त हमने जो इसमें 2 चम्मच दही डाला था, इससे ये बहुत ही स्पंजी बनेंगे। बिल्कुल बेकिंग सोडा की तो ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब इसको हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म किया, फिर हमने ऑयल को मीडियम कर दिया है। इसे मीडियम आँच पर आपको फ्राई करना है। आप चाहें तो इसे हाथों से डाल सकते हैं। हम यहाँ पर स्पून की मदद से इसे डाल रहे हैं। इस तरह से ये एकदम गोल गोल परफेक्ट बनते हैं। और ये देखिए, ये बाद में एकदम फूल जाते हैं। तो हम यहाँ पर एक एक करके डाल दिए हैं और बहुत ज़्यादा एक साथ हमें नहीं डालना है। और इसे हमें मीडियम आंच पर फ्राई करना है। जब एक तरफ ये अच्छे से हो जाएंगे तो इसकी हम साइड चेंज करेंगे और इसे हम हिलाते रहेंगे चम्मच से। तो ये देखिए, दूसरे तरफ भी बहुत अच्छा सा इसमें कलर आ चुका है। और इसी तरह से इसे हमें फ्राई करना है। तो जैसे जैसे हम फ्राई कर रहे हैं ये अपने साइज में बड़े होते जा रहे हैं। ये देखिए कितने परफेक्ट दिख रहे हैं, एकदम गोल गोल से। तेल का टेम्परेचर मीडियम ही रखिएगा। अगर हाई रहेंगे तो ये ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से एकदम कच्चे रहेंगे इसलिए। और ये देखिए, ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं, अंदर से भी एकदम पक गए हैं। इसको हम निकाल लेते हैं। और हम यहाँ पर नीम गर्म पानी रखे हुए हैं पहले से ही। थोड़ा सा नमक डाल के उसमें डाल देंगे और दूसरे बैच भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। धीमी आँच पर इसको भी हम फ्राई कर रहे हैं। ये भी हमारे बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। सब हम इसी में डाल देंगे पानी में और इसे हम 5 से 10 मिनट तक पानी में रखेंगे। तो ये देखिए, आपको हम दिखाते हैं ये दबाने से कितने स्पंजी हो गए हैं और इनकी साइज भी कितनी बड़ी हो गई है। तो इसे हम अब एक प्लेट में रख लेते हैं। यहाँ पर हमने 400 ग्राम दही लिया था जिसको हमने पहले से ही फेंट लिया था, तैयार करके रख लिया था। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है और कितना क्रीमी सा दिख रहा है। बहुत ज़्यादा ना तो ये गीला है और न ही ये बहुत ज़्यादा ठीक है। तो इसी तरह से एकदम दही को रखना है। इसमें हमने चीनी डाल दिया था 2 टेबल स्पून और दही हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। अब इसको हम भल्ले के ऊपर डाल देंगे इस तरह से। मीठी मीठी दही होती है तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप लोग भी थोड़ा सा चीनी ज़रूर से डाला करें। अब इस पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, काला नमक है। और इस पर हम भुना कुटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे, एकदम फ्रेश ज़ीरा है। इसको हमने अभी अभी पीसा हुआ है। और इस पर हम थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आपको जितना तीखा पसंद हो, किसी भी ब्रांड का चाट मसाला डाल देते हैं। थोड़ा सा चाट मसाला भी डालिएगा, बहुत टेस्टी लगेंगे। और ये हमारी घर की बनी हुई चटनी है, खट्टी मीठी इमली की चटनी। इसको भी हम डाल देंगे। हमें इमली कुछ ज़्यादा ही पसंद है तो हम इसको थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। आप अपने जायके के मुताबिक डालिएगा। अब यहाँ पर हम हरी धनिए की फ्रेश चटनी डाल देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है।
इफ्तार के टाइम ठंडे ठंडे दही बड़े मिल जाएं तो दिल को सुकून आ जाता है। रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, इंशाल्लाह एकदम परफेक्ट दही बड़े बनेंगे। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।